जी आपको? अच्छा बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है। किस चीज का टेंशन हो रहा है? पेशाब में खून आया है। अच्छा कहीं किडनी खराब तो नहीं हो गया? इतना आसान नहीं है ना, अगर आपको पेशाब में खून आ रहा है तो किडनी खराब कैसे सोच लिए आप? अच्छा कोई बोल दिया है, ठीक है, बोलने से उसके लिए नहीं सोचना है, ठीक है। किडनी अगर पेशाब में खून आ रहा है तो किडनी खराब नहीं हो सकता है, इतना कोई आसान बात नहीं है। किडनी खराब होने के बहुत सारे कारण होते हैं, उसका लक्षण भी होता है, बहुत तरह तरह के लक्षण होता है। अच्छा इसका लक्षण हम आपको बिल्कुल हम बता देंगे। देखिए अगर आपको सबसे पहले पेशाब में आपको खून जो आ रहा है ना, इसके आने के बहुत सारे कारण होते हैं, इसके लिए हम वीडियो बना दिए हैं, आप जाकर उस वीडियो को देखिएगा और उसमें ट्रीटमेंट भी बता दिए हैं, और जो जो बताए हैं ना उसको आप लोग करिएगा ना, बिल्कुल आपको ठीक हो जाएगा अगर पेशाब में खून आ रहा है तो। अरे बिल्कुल नहीं डरना है, डरना है ही नहीं आपको, डरिएगा तो फिर कैसे होगा? अच्छा क्या लक्षण दिखाई देती है जब किडनी खराब होती है तो? सबसे पहले ठीक है तो आपको बता दे रहे हैं, बिल्कुल मत घबराइए ना। देखिए आपको ये सबसे पहले लक्षण दिखाई देगा आपको किडनी खराब जो होगा वह है सूजन। सूजन सबसे बड़ी रोल दिखाई देती है आपको, वो भी जानते हैं सूजन कहाँ दिखाई देगा आपको? सूजन आपको दिखाई देगा चेहरे पे और पैर पे, बहुत ज्यादा सूजन आपको दिखाई देगा। आप इस तरह दबिएगा ना तो धंस जाएगा, चेहरा पर दबिएगा बहुत धंस जाएगा, ठीक है। तो क्यों धंस जाता है जानते हैं? इसलिए आपको धंस जाता है और सूजन आपको दिखाई देने लगती है, क्योंकि देखिए जब किडनी जब सही से काम नहीं करती है ना तो क्या होता है कि शरीर में नमक और पानी की मात्रा बढ़ जाती है, और यही बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि सूजन आ जाती है, और जब सूजन जब आ जाती है तो इस तरह दाबिएगा तो धंस जाएगा, और धंस जाएगा तो क्या होगा कि दिखाई देगा कि हमको सूजन आ गया। तो अगर आपको ऐसा दिखाई देना तो तुरंत आप किसी डॉक्टर से संपर्क कर लीजिएगा, और नहीं तो आप KFT रिपोर्ट करवा कर मेरे इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा, हम बिल्कुल आपको मदद करेंगे, नहीं तो आप मेरे क्लिनिक पर आकर दिखा लीजिएगा, बिल्कुल हम आपको सच्चाई बताएंगे, ठीक है। हाँ इसके बाद क्या होता है कि कमजोरी थकान बहुत ज्यादा होती है जब किडनी खराब होती है तो। हाँ कमजोरी थकान इसलिए होती है कि किडनी सही से काम नहीं कर पाती है, ठीक है। नहीं करने से क्या होता है कि विषैला पदार्थ जो भी होता है किडनी रहती है बॉडी में एब्जॉर्ब होने लगती है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कमजोरी होने लगती है, शरीर में ऊर्जा भी नहीं मिल पाती है ना, मेन दिक्कतें जन होती है। क्या होता है कि वजन आपको गिरने लगती है, वजन भी बहुत जल्दी कम होने लगती है, आप कोई भी काम भी नहीं करिएगा ना तो आपको क्या है कि वजन गिरते जाएगा, तो समझ लीजिए कि यहाँ किडनी में फर्ट हो सकता है। वजन क्यों गिरती है? वजन गिरने के बहुत सारे कारण होती है, ठीक है। इसका देखिए कारण जो होता है ना, अचानक जब वजन के आपको गिरेगा तो क्या होगा कि किडनी सही से काम नहीं करती है, ठीक है। जब किडनी सब सही से नहीं काम करेगी तो आपको ऐसा समस्या दिखाई देगा ही देगा, शरीर में खुजली होने लगती है, शरीर में देखिए खुजली होने लगेगा, रूखापन सा होने लगेगा, स्किन जो है रूखा रूखा सा महसूस होने लगा, ठीक है। तो ये भी किडनी खराब होने की ओर इशारा करता है, ठीक है। इतना आप लक्षण याद रखिएगा, सब लक्षण के भूलिए, अगर आपको शरीर में सूजन दिखाई दे तो समझ लीजिए कि आपको किडनी में फॉल्ट हो सकते हैं, आप जाके रिपोर्ट दिखाइएगा, ठीक है। रिपोर्ट करके देखिएगा, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं जाना है। अच्छा किन लोगों को यह समस्या ज्यादा होती है किडनी खराब होने का? देखिए उन लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जो लोग को ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर का बीमारी होता है, ब्लड प्रेशर का लेवल हाई हो जाता है, ब्लड शुगर का भी लेवल हाई हो जाती है, उनको किडनी की समस्या खराब होने की समस्या ज्यादा रहती है, ठीक है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर की समस्या है तो आप कुछ मत करिए ना, उसको कंट्रोल करके रखिए ना, कभी भी किडनी खराब आपको नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है। ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर का बीमारी है और डॉक्टर साहब दवा लिख दिए हैं तो भले खाना भूल जाइए ना, लेकिन आप दवाई बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, दवा आप जरूर खाइएगा, ठीक है। और अगर आपको बीपी या ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर का बीमारी है तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को जाकर देखना है, वीडियो बना दिए, आप लोग भी जाकर देख लीजिएगा, चैनल पर हम बना दिए, आप लोग देखिएगा ना, बहुत अच्छा से समझाए हैं, ठीक है। शुगर की बीमारी कैसे होता है, उसका लक्षण क्या दिखाई देती है, सब बता दिए हैं, आप जाकर देखिएगा, चलिए आप सर्च करिए ना, बिहार डॉक्टर यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर सर्च करिए, आप देखिए कि उस पर हम क्या क्या बताएं, बिल्कुल आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, और शुगर कैसे होता है ये भी हम आपको बताएं, आप जाकर देखिए, आप लोग भी जाकर देखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपको समस्या का समाधान पूरा चैनल पर हम कर दिए हैं आप लोग के लिए, खान पान ठीक रखिएगा, बिल्कुल आप लोग को ठीक रहेगा। अच्छा जब दोनों किडनी खराब हो जाती है तो क्या होता है? देखिए जब दोनों जब किडनी आपको खराब हो जाएगा ना तो क्या होता है कि शरीर में जो हम लोग का शरीर का जो किडनी होती है वह क्या कहते हैं कि कचरा को साफ करने के काम करती है, और वही कचरा वह साफ नहीं होता है ना तो
पूरा बिटोर के रखता है तो क्या होता है किडनी में कैटनिन का लेवल बढ़ जाती है हम लोग का ब्लड में, ठीक है। तो ब्लड का जब टेस्ट करवाएगा उसमें क्या होगा किडनी का लेवल कैटनिन का लेवल आपको बढ़ जाएगा, साथ में यूरिया का भी लेवल बढ़ जाएगा। तो जब यही बढ़ जाती है तो किडनी फेल की यानी किडनी खराब होने की संभावना पूरा खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को दोनों किडनी ठीक रखना है, तो ब्लड प्रेशर ब्लड शुगर को ठीक रखिए। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा, पानी की कमी बिल्कुल मत करिएगा, पानी भी बहुत ज्यादा पीजिएगा। अगर पहले से आपको बीमारी नहीं है तो याद रखिएगा आप लोग को भी कोई बीमारी नहीं है तो आप लोग पानी पीना स्टार्ट कर दीजिएगा, पानी पीजिएगा। आपको क्या होगा शरीर में जाएगा बहुत अच्छा काम करेगा, किडनी भी अच्छा काम करेगा, लीवर भी अच्छा करेगा, समझिए पूरा बॉडी आपको अच्छा काम करेगा। तो आप लोग पानी जरूर पीजिएगा, ठीक है। और हाँ बिल्कुल नहीं खबर है, पेन किलर दवा से आपको बच के रहना है, ठीक है। ज्यादा पेन किलर दवा आपको नहीं खाना है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि हम किस तरह स्वस्थ रहें और खान पान ठीक रखिएगा। मार्केट की चीज़ बिल्कुल कम कर दीजिएगा, बिल्कुल आप लोग फिट रहेगा और आप भी फिट रहिएगा। और आप लोग को दिक्कत हो रहा है कोई भी आदमी सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर भेट करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जरूर हम आपको मदद करेंगे। अगर आपको दिखेगा कि हमको आप बहुत ज़्यादा परेशान है जरूरत पड़ेगी तो हम खुद हम आपके पास कॉल कर देंगे, आप मेरा इंस्टाग्राम पर क्या करिएगा नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो कभी काल तो जरूर हम अपना नंबर जरूर देंगे आप लोग, लेकिन आप लोग पहले मेरा फैमिली तो बन जाइए, फैमिली बन जाइएगा बिल्कुल हम आपको मदद करेंगे। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद जय भारत।